अपने फर्स्ट DIY के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से, आप जब नर्सरी से प्लांट परचेज करते हो तो आपको इस तरीके के पॉट मिल जाते हैं, तो आज हम इसी पॉट का यूज करके अपना प्लांटर रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने ये वॉल पुट्टी का डो रेडी किया है। वॉल पुट्टी का डो बनाना बहुत ही ईजी है, आप इजिली इसे बना सकते हो। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ पानी से ही इसका डो रेडी करना है। जैसे हम आटे को नीट करते हैं उसी तरीके से हमें इसे नीट करना है। तो अब मैं इसके सरफेस पे, पूरे सरफेस पे इसी तरीके से वॉल पुट्टी को स्प्रेड कर रही हूँ। पानी की हेल्प से हमें ये इसको स्प्रेड कर लेना है, और जब आप पानी लगाते हो तो इसकी सरफेस थोड़ी सी स्मूथ भी हो जाती है। इस तरीके से वॉल पुट्टी को हम इवेनली स्प्रेड कर लेंगे। जब भी आप वॉल पुट्टी इस पर लगाएं, उससे पहले पानी की एक लेयर इसकी सरफेस पे हमें कर देनी है ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इस तरीके से इसकी पूरी सरफेस पे मैंने वॉल पुट्टी को स्प्रेड कर लिया है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दोस्तों, जब तक का ये ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरे प्लांट पॉट का भी बेस रेडी कर लेते हैं। अपने सेकेंड प्लांटर के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हो ये एक खाली डब्बा है, इसको मैं यूज़ करके प्लांटर रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली आप देख सकते हो ये डब्बा थोड़ा सा ये क्रैक हो गया है, तो आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हो प्लांटर बनाकर। वॉल पुट्टी को लगाने से पहले आप इस तरीके से पानी लगाकर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी की लेयर कर लो, तो ये अच्छे से इस पर स्टिक हो जाएगा। दोनों प्लांटर पर वॉल पुट्टी को इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब मैं इस पर डिजाइन बनाऊंगी। पर डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से टूल का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से टूल को प्रेस करके हम इस पर डिजाइन बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हमें इसे प्रेस करना है और एक अच्छी सी डिजाइन इस पर आ जाएगी। आप इस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए आप पेन के लेड को भी यूज कर सकते हो, या आप अपने किचन पर भी देखो तो बहुत सारे आपको टूल्स दिख जाएंगे इस तरीके से, जिससे आप डिज़ाइन कर सकते हो। इस DIY के लिए हमें वॉल पुट्टी का पेस्ट थोड़ा थिक ही इस पर अप्लाई करना है, तभी आप देख सकते हो जहाँ पर इसका पेस्ट थिक नहीं था वहाँ पर इस तरीके से डॉट दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर थिक पेस्ट था वहाँ पर देखिए आप इस तरीके से कितना अच्छा इम्प्रेशन आ रहा है। तो आप इस पर ये गलती मत करना, आप थोड़ा थिक पेस्ट ही अप्लाई करना अगर आप ये DIY कर रहे हो। इस तरीके से जो हम नर्सरी से प्लांटर लाते हैं जो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, उनको भी हम इसी तरीके से ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी तरीके का वेस्ट डब्बा पड़ा हुआ है तो आप उसको भी यूज़ करके सुंदर प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हो। देख सकते हो कितना सुंदर सा इम्प्रेशन आया है। ज़रूरी नहीं है कि ये इम्प्रेशन के लिए आप टूल का ही यूज़ करो, आप डिफरेंट टाइप के जैसे पेन का लिड का यूज़ कर सकते हो, आप इयररिंग्स का यूज़ कर सकते हो, अगर इयररिंग्स में सुंदर सी डिज़ाइन है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पहला हमारा प्लांटर रेडी हो गया। अपने सेकेंड प्लांटर पर डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से वॉल पुट्टी का कॉइल बनाया है, और अब इस तरीके से मैं पीसेस को कट कर रही हूँ। इस तरीके से इसको राउंड शेप देना है। इस तरीके से हम सारे शेप रेडी कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी शेप इक्वल साइज का नहीं है, तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस तरीके से रोल रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर सारे रोल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे इसकी सरफेस पर इस तरीके से हमें फोर्सफुली इस तरीके से थ्रो करना है। इसी तरीके से थ्रो करते हुए मैं इसकी सरफेस पर इसे लगा लूंगी। ये काम हमें वॉल पुट्टी के थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही करना है, जो सरफेस पर हमने वॉल पुट्टी अप्लाई किया था उसके ड्राई होने के बाद ही करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे लड्डू स्टिक कर लिए हैं, ये राउंड जो है वो सारे राउंड स्टिक कर लिए हैं। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्रिलिक पेंट की बॉटल है और ये कुछ लिड्स हैं जिसपे मैं इस तरीके से स्प्रेड करते हुए मैं वॉल पुट्टी को स्टिक कर लूंगी। इससे हम अपने प्लांटर का स्टैंड बनाएंगे। इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लूंगी, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इस पर स्टिक करेंगे। देख सकते हो इस तरीके से हमने स्टैंड बना लिया है, इस पर वॉल पुट्टी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे लिड्स पर वॉल पुट्टी स्प्रेड कर लूंगी।
हमारे सारे स्टैंड रेडी हो गए हैं, तो अब मैं इसे स्टिक कर लूंगी। इस तरीके से पानी की हेल्प से वॉल पुट्टी को स्प्रेड कर लेना है और लेग को इस तरीके से स्टिक कर लेना है। आपको ध्यान रखना है जो ड्रेनेज होल है उसको पूरी तरीके से कवर नहीं करना है, क्योंकि ड्रेनेज होना जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इस तरीके से प्लांटर पर लेग लगाने के बाद अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे प्लांटर पर भी लेग लगा लूंगी। आपको डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान देना है ताकि ये इक्वल डिस्टेंस पर रहे। अब हम अपने दूसरे प्लांटर पर भी इसी तरीके से स्टैंड लगा लेंगे। आप जब स्टैंड लगाना तो ध्यान रखना, देख लेना चेक कि इस पर होल किया है कि नहीं, क्योंकि जो नर्सरी से प्लांट पॉट आया था उस पर तो होल था और दूसरे प्लांटर पर होल नहीं था और मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने इस पर होल किया है। इस तरीके से लेग लगा के अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही लेग लगाऊंगी। मैंने इस तरीके से प्लांटर पर स्टैंड लगा लिया है, तो अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अच्छे से ड्राई होने के बाद अब मैं इस पर कलर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पर्ल लेमन कलर कर रही हूँ। आप अपने चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हो। पहले प्लांटर पर इस तरीके से कलर करने के बाद अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। तब तक का हम दूसरे प्लांटर पर भी इसी तरीके से कलर कर लेंगे। इस पर कलर करने के लिए मैंने ब्लू और वाइट कलर को मिक्स करके लिया है और इससे हम पूरे पर कलर कर लेंगे। मैंने इस पर कलर कर लिया है। मैंने यहाँ पर डबल कोट किया है जिससे इसका कलर और भी प्रोमिनेंट लग रहा है। अब हम इस पर इस तरीके से गोल्डन डस्ट करेंगे। इस तरीके से फिंगर पर हमें लेना है और हल्के हाथों से इस तरीके से इस पर स्प्रेड करना है। गोल्डन डस्टिंग के बाद हमारे प्लांटर का ऐसा लुक आया है, तो अब मैं इस पर वार्निश करूंगी। दोस्तों, वार्निश करने से इस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और इसका कलर भी प्रोटेक्ट रहेगा। वार्निश अप्लाई करने के बाद हमें प्लांटर को थोड़ी देर ऐसे ही रख देना है ताकि इस पर वार्निश अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो प्लांट ऐड करने के बाद हमारे इस प्लांटर का लुक ऐसा आया है। आपको ये DIY कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आप इसमें कोई भी प्लांट ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्लांटर की हाइट अच्छी खासी है, तो आप किसी भी तरीके का प्लांट इस पे ऐड कर सकते हो। ये अच्छे से ग्रो करेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको ऐसे ही आइडियाज मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।